कोई दर्जी कपड़ा सिल रहा है, उसका दुकान बंद करने का समय आया, कमीज सिल रहा है और आधी कमीज सिली और उसने दुकान बंद करी, कमीज को ऐसे गोल 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 घुमाया और अपनी उसमें लगा दिया मशीन में और दुकान बंद करके चला। जब सुबह दुकान खोलेगा तो सबसे पहले उस आधी कमीज को ही बनाएगा। अब कोई देखने वाला ये देखे कि आधा घंटे में उसने कमीज बना के तैयार कर दी, नहीं भैया, उसने एक दिन पहले 2 घंटे और भी बनाई थी, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने 2 घंटे नहीं देखे ना। ऐसे मन में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा यज्ञ करना, भजन करना, पूजा करना, पाठ करना, दान देना, सेवा करना सफल नहीं होता है। हो सकता है आपके कई जन्मों के पाप इसी से नष्ट हो रहे हो। जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक ये फल मिलने वाला नहीं है। एक बड़े विद्वान हुए काशी के मधुसूदन सरस्वती पाद जी, करपात्री जी महाराज इन्हीं के अनुयायी थे, बड़े सुंदर सन्यासी महात्मा हुए। उन्होंने सुन रखा था कि कलयुग में कोई भी शुभ काम 4 गुना करना चाहिए, उसका तुरंत फल मिलता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम तो प्रणव अक्षर लग जाता है, इसका 20 लाख जप करने पर 4 गुना जप हो जाता है। ये जप की परंपरा है। जैसे पंचाक्षर का 5 लाख जप कीजिए, 1 पुरुषण होता है। जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख जप करने पर 1 पुरुषण की पद्धति है। अगर कहीं उससे 4 गुना कर लिया जाए तो उस मंत्र के देवता को प्रकट होना ही पड़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, ये हकीकत करके देखो, विश्वास ना हो। मधुसूदन सरस्वती पाद ने श्री धाम वृंदावन में आकर के गोपाल मंत्र के 4 अनुष्ठान किए, लेकिन गोविंद के दर्शन नहीं हुए। उन्हें मन बड़ा खिन्न हो गया। लौट करके फिर बनारस काशी पहुंच गए। बनारस गंगा जी के किनारे बैठे, बस मन बड़ा व्याग्र है, मन चित्त मन में विचार चल रहा है, या तो मेरा अनुष्ठान गलत था, या मंत्र गलत है, या शास्त्रों में गलत लिखा है, मुझे मंत्र का फल क्यों नहीं मिला, ये मन में विचार चल रहा था। इतने में ही काशी के जो कोतवाल हैं वो है भैरव बाबा, जो काशी गए हैं उन्होंने दर्शन किए होंगे भैरवनाथ के। भैरव बाबा एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और मधुसूदन सरस्वती पाद से कहा, बोले सन्यासी महात्मा कैसे परेशान हो। महाराज क्या बताऊं, मैं या तो अपने आप को गलत समझू, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैंने अशुद्ध पाठ किया है, शुद्ध जप किया, या मंत्र में कुछ त्रुटि है, या ग्रंथ में कुछ त्रुटि है, कहीं तो कोई कमी है, मुझे मंत्र का फल क्यों नहीं मिला। भैरव बाबा बोले एक बार पीछे मुड़ के देखो। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा वो मधुसूदन सरस्वती पाद ने, तो क्या देखते हैं, लाखों करोड़ों चिताएं जल रही हैं। खड़े हो गए, घबरा गए, ये क्या देख रहा हूं, ये क्या दृश्य है। असली रूप में आ गए भैरव बाबा और मधुसूदन सरस्वती पाद से कहा, तुमने जो भजन किया ना, उस भजन के प्रताप से तुम्हारे जन्म जन्मांतर का पाप जल रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे, इतना बड़ा भजनानंदी महात्मा, सब पाप जल रहा है, अब तुम निर्मल हो गए हो। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।